हेलो दोस्तों, मैं नित्य बायोलॉजी स्टडी सेंटर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं कुलदीप बोरसे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। एक्चुअली मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। दोस्तों, आपको मैथ्स पेपर के साथ साथ बायोलॉजी पेपर भी पास होना जरूरी होता है, लेकिन बायोलॉजी ही जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहता है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा गुड मेमोराइजिंग स्किल होना जरूरी है। दोस्तों, रीड मल्टीपल टाइम्स एज यू मे नॉट रिमेम्बर द टर्म्स। बायोलॉजी के जो टर्म्स है, जो आप बार बार पढ़ोगे तब तक वो टर्म्स आपके ध्यान में ना आए। पॉसिबल हो तो एक दो बार अपने नोटबुक में लिख लो। आप चाहे तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। दोस्तों, बायोलॉजी के बहुत से टर्म्स और नेम्स बहुत ही डिफिकल्ट रहते हैं। उनको समझने के लिए और ध्यान में रखने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ते हैं। वैसे तो आपको पता होगा दोस्त कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दोस्तों, बायोलॉजी ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत से लॉन्ग टॉपिक आते हैं, तो आप शॉर्ट नोट भी लिख सकते हो। दोस्तों, आप जो चैप्टर और टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें जो उनको दोस्तों आप जो चैप्टर और टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स और डेफिनेशंस है तो उनको हाईलाइट कर लो। जैसे कि जनरल हाईलाइट्स होगा, ऑथर्स के नेम, साइंटिस्ट के नेम, टाइटल, चैप्टर्स, अननोन और फॉरेन जो वर्ड्स रहता है वो टर्म्स रहते हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हो। दोस्तों, डेफिनेशन, नेम्स और इम्पोर्टेंट डायग्राम जो रहते हैं उनका आप फ्लैश कार्ड बना डालो। जैसे कि फ्लैश कार्ड जो है कार्ड विच कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच हेल्प अ फॉर अ पुपिल टू सी एज अ एड टू लर्निंग। दोस्तों, जो लंबे वर्ड्स और डिस्क्रिप्शन रहता है उनके लिए आप निमोनिक्स बना सकते हो। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे निमोनिक्स का मीनिंग दिया हुआ है। निमोनिक्स इज अ लर्निंग टेक्निक दैट हेल्प्स अस ऑर्गेनाइज, रिटेन एंड रिमेम्बर इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग रिकॉल इजी। यहाँ पे मैंने 12 ग्रैनुलर नर्व्स कैसे सिक्वेंशियली कैसे ध्यान में रखना, इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, बायोलॉजी सब्जेक्ट में जो बड़े बड़े प्रोसेसेस और सीक्वेंसेस रहते हैं वो ध्यान में रखने के लिए आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। फ्लो चार्ट जो है विच हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ प्रोसेस वर्क्स इन स्टेप फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स न्यूमेरस कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस दैट कैन बी हेल्प डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड रिप्रेजेंटिंग देम ग्राफिकल कैन मेक देम मच इजियर टू ग्रैस्प। दोस्तों, सैंपल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो ताकि आपकी पेपर लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। आपके अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे ब्लॉग को विजिट करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अपने ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। देखो दोस्तों, फोकस मोर ऑन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, रीड प्रीवियस ईयर पेपर्स टू फाइंड आउट द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिनको ज़्यादा वेटेज है उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। लेकिन तो हाइलाइट्स पॉइंट का भी आप यूज कर सकते हो। दोस्तों, हर क्वेश्चन के आंसर खुद सॉल्व करने का प्रयास करो। आप खुद आंसर बनाओगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई डाउट या क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मेरे ब्लॉग को विजिट करके अपना स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज विजिट माई ब्लॉग। थैंक यू।